सोहना के वार्ड संख्या 9 जखूपुर में विधायक ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 23 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर गांव का दौरा किया। इस मौके पर उनका पगड़ी बांधवा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। सोहना के वार्ड संख्या 9 जखूपुर में विधायक कुंवर संजय सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 23 अक्टूबर को होने वाली रैली को लेकर गांव का दौरा किया। इस मौके पर उनका पगड़ी बांधवा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोहना के गाँव निमर्थला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ विकास रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे सोहना के लिए अधूरे पड़े विकास कार्यों के लिए विकास राशि की भी घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर ग्रामवासियों एवं महिलाओं के विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा, जहां उन्होंने गांव की मुख्य बिजली समस्या, सफाई समस्या, टूटी सड़कें, पार्षद प्रतिनिधि पर गली न बनने के आरोप लगाए। वहीं महिलाओं ने डिपो होल्डर पर राशन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही चंद्रपाल मवासी नाम के व्यक्ति ने राजनीति के तहत गली न बनने को लेकर पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सुखराम को खरी खोटी सुनाई और विधायक से शिकायत कर गली न बनने को लेकर मनमानी की बात कही, जहां विधायक ने पार्षद प्रतिनिधि को फटकार लगाई और आश्वासन दिया कि जल्द ही स्कूल को अपडेट कराया जाएगा और स्कूल परिसर में जगह कम होने के कारण 2 मंजिला बनाया जाएगा। टूटी सड़क को लेकर विधायक ने बताया कि इंडरी मोड़ से इंडरी तक सड़क का टेंडर निकाल दिया गया है, जिसका जल्द काम शुरू किया जाएगा। हमारी पिछली 5 साल से गली अटकी हुई है जी, और बाहर मेन रोड पे भी सारा सीवर लाइन खोद के पटक रखा है और गली में इतना इतना गड्ढा, आना जाना दुश्वार है और उसमें स्कूल है जी, और पार्षद अपनी मनमानी के कारण, राजनीति के कारण हमारी गली नहीं बना रहा है। आपने शिकायत दी थी पार्षद को? मैंने MLA साहब को भी कहा है 2 बार और पार्षद साहब को भी कहा है। कल MLA साहब आए थे, उन्होंने हमसे कहा कि आपका काम जल्दी होगा, आपकी गली जल्दी बनवाएंगे। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी 23 तारीख को हमारे क्षेत्र में महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा एवं विकास रैली का आयोजन जो किया जा रहा है, तो आज हम मेरे हिसाब से 110 गांव हो चुके हैं हमारे, तो वो जो दौरे किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए दौरे किए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो विकास की जो थोड़ी सी गति धीमी पड़ गई थी, माननीय मुख्यमंत्री आने से वो ढंग से तेज़ी से काम हो सके और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं मुख्यमंत्री सामने रखी जाएंगी, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करने का काम करेंगे। आज आपने गांव जखूपुर का दौरा किया है, तो कुछ समस्याएं आपके ग्रामवासियों ने रखी है? ऐसा कोई विशेष समस्या यहां पर नहीं थी, थोड़ा सा एक गली में पानी भरने की बात सामने आई, एक के यहां पर थोड़ा बिजली के जो जियो स्विच करण है उनकी बात समझ में विचार आया, तो उनको सॉफ्ट उनको पूरा करने काम करें। स्कूल अपग्रेड के लिए आपने कुछ स्कूल अपग्रेड का मैंने कहा है, अगर नॉर्म पूरा स्कूल करता है तो स्कूल को 5वीं से 8वीं का दर्जा बढ़ाने का काम किया। एलानाबाद चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, भाजपा निकाल पाएगी? 100% भाजपा पूरे देश में सरकार बना रही है, तो यहाँ भी सरकार भाजपा बनी हुई है, हमारा एलानाबाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी की विजय हुई।